नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है। डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और दिल्ली NCR में डीजल ट्रकों पे एंट्री टैक्स भी आसमान छू रहा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक CNG ट्रक इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, वो भी आज तक के एवर हाईएस्ट पेलोड के साथ। नाम है इसका टाटा 1512G। फिलहाल ये दो बॉडी लेंथ ऑप्शंस में अवेलेबल है। आज के इस रिव्यू में इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, पेलोड, माइलेज एवं प्राइस रिलेटेड तमाम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ₹16,020 के ग्रॉस वेट के साथ ये आपको लगभग 10.25 टन का बेहतरीन पेलोड देता है। इस सेगमेंट में मुकाबला करेगा आइशर की ओर से प्रो 2114 XP CNG का। दो व्हीलबेस ऑप्शंस में इसे उतारा गया है, जिसपे आपको 20 फीट और 22 फीट के बॉडी लेंथ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसे केबिन चेसी, केबिन विद हाफ बॉडी एंड केबिन विद फुल बॉडी ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। सूटेबल एप्लीकेशंस की अगर बात करें, ये सूटेबल रहेगा कैस्केड कैरियर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पार्सल एंड कुरियर, टेक्सटाइल, मार्केट लोड एवं पोल्ट्री जैसी एप्लीकेशंस के लिए। मजबूत हैवी ड्यूटी लेडर फ्रेम चेसी पे इसे बनाया गया है, 7 mm थिक हाई स्ट्रेंथ स्टील से, जिसकी चेसी डेप्थ 223 mm रखी गई है, जो देता है बेहतरीन बेंडिंग मोमेंट। आमतौर पे बेंडिंग मोमेंट को आप चेसी के लोड लेने की क्षमता के तौर पे भी समझ सकते हैं। आगे आपको मिलेगा ऑल स्टील डे केबिन, टिल्टेबल है ये केबिन। इसके फ्रंट की अगर बात करें तो खूबसूरत फ्रंट फेशिया के साथ यहाँ टाटा 1512 की ब्रांडिंग, आगे आप जी लेटर देख सकते हैं। टाटा मोटर्स ने BS6 में जी CNG ट्रक्स के लिए बेसिकली ब्रांडिंग यूज़ की है। बीचों बीच टाटा की ब्रांडिंग, इसके नीचे बड़ा सा टाटा का लोगो है ग्रिल के बीचों बीच। यहाँ बम्पर मेटालिक बम्पर है ये, और ये एक बहुत ही सॉलिड अंडर प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट बम्पर। हैलोजन हेडलाइट्स हैं दोनों ओर साइड इंडिकेटर्स के साथ। टाटा मोटर्स ने BS6 में विजिबिलिटी के ऊपर बहुत काम किया है। फ्रंट में आपको एक बड़ी सी सिंगल पीस विंडशील्ड मिलेगी बेहतर विजिबिलिटी के लिए। तो दोनों ओर आप देखेंगे 6 साइड व्यू मिरर्स एवं प्रॉक्सिमिटी मिरर्स लगाए गए हैं, इंक्लूडिंग 1 ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो कि इस एरिया को कवर करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल फॉग लैंप्स के लिए प्रोविजन दिया गया है, और BS6 की ब्रांडिंग दोनों ओर बहुत ही सफाई से डोर नॉब यहाँ पे प्लेस किया गया है। 2 फुटस्टेप्स हैं इजी एंट्री और ईग्रेस के लिए। फ्रंट व्हील्स के ऊपर ये काले रंग के मडगार्ड्स दिए गए हैं, जिसपे साइड इंडिकेटर लैंप्स इंटीग्रेटेड हैं। ब्लैक कलर होने के कारण ये काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग लुक दे रहा है केबिन के साथ में, और कंटूर्ड शेप के कारण इसको एक अग्रेसिव लुक भी बनाता है। टोटल 486 लीटर वाटर कैपेसिटी वाले 3 CNG टैंक्स इसमें हैं। 7 किलोमीटर पर KG की ऑन एन एवरेज आप इसकी माइलेज उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आप इसे चला सकते हैं लगभग 500 किलोमीटर बिना रुके। फास्ट फिलिंग और स्लो फिलिंग दोनों ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। सेफ्टी पे पूरी गाड़ी में बहुत ध्यान रखा गया है। सामने की ओर आपको 2 बम्पर मिले थे, यहाँ दोनों ओर साइड अंडर प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं। पीछे की ओर भी एक एक्स्ट्रा बम्पर यहाँ पे दिया गया है। 2 CNG टैंक्स आपको व्हील बेस में मिलेंगे और एक छोटा टैंक आपको रियर ओवरहैंग में मिलेगा। 9R20 साइज के बड़े रेडियल टायर्स इसमें हैं, जो आपको लगभग 225 mm का बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस देते हैं। एयर ब्रेक्स इसमें हैं ABS के साथ और ऑटो स्लैक एडजस्टर के साथ। फ्रंट और रियर दोनों ही जगह पे सादा पट्टा कमानी रखी गई है। मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने पे काफ़ी फोकस रखा गया है। हमने शुरुआत में बात की थी इस CNG ट्रक के कॉस्ट इकोनॉमिक्स की। मान लेते हैं आपकी डेली 200 किलोमीटर की एवरेज रनिंग है, यानी महीने में 6000 किलोमीटर की एवरेज रनिंग। ₹35 का CNG और डीजल में प्राइस डिफरेंस के साथ आप 6000 किलोमीटर एवरेज रनिंग में मोटा मोटा 45 से 50 हज़ार रुपये तो सिर्फ फ्यूल कॉस्ट में सेविंग कर लेते हैं। एड ऑन टॉप ऑफ इट द ग्रीन टैक्स दैट यू पे एवरी डे वाइल एंटरिंग दिल्ली। अगर डेली आपका एक चक्कर दिल्ली का लगता है, मोटा मोटा 1300 रुपये आपका ग्रीन टैक्स की सेविंग हो जाती है। 30 दिन का जोड़ें तो ₹39,000 ग्रीन टैक्स, ₹45,000 फ्यूल सेविंग, 80 से 90 हज़ार रुपये तो आप सिर्फ ये CNG ट्रक खरीद के हर महीने बचा सकते हैं। पीछे की ओर अगर आपको दिखाएं तो 5 इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, जो ये आप देख सकते हैं। जब गाड़ी रिवर्स गियर में है और इसके 2 मीटर की दूरी में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ड्राइवर केबिन में सिग्नल करके अलर्ट कर देता है।
जैसा कि हमने आपको बताया था, पीछे भी एक बम्पर, ये है चेसी डेप्थ 223 mm की, एंड दिस इज थिकनेस 7 mm दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। टेल लैम्प्स वेरी नीटली प्लेस्ड इन दिस हाउसिंग। इस ओर स्टेपनी का प्रावधान, दूसरी ओर आपको छोटा सी एनजी टैंक दिया गया था जैसा कि हमने आपको बताया। बड़ी ही मजबूत बॉडी, और अगर आप देखेंगे तो बॉडी के जो टॉप में जो क्रॉस मेंबर्स हैं वो भी फ्लैट नहीं है, राउंड शेप में है। तो हमने एक ड्राइवर से बात की इसका क्या फ़ायदा होता है। उन्होंने बताया कि साहब जब बारिश के मौसम में ऊपर तिरपाल लगा लेते हैं तो पानी उसके ऊपर ठहरता नहीं है, पानी आराम से साइड में चला जाता है। ये राइट साइड का अंडर प्रोटेक्शन डिवाइस और एमरॉन की बैटरी, यहाँ चेसी के बीचों बीच एग्जॉस्ट असेंबली रखी गई है। क्या कुछ खास है इस केबिन के अंदर, आइए देखते हैं। शुरुआत कर लेते हैं ड्राइवर सीट से ही। बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंडेड सीट है इसमें। स्लाइडिंग मूवमेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइनिंग मूवमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइट एवं वेट एडजस्टमेंट भी इस सीट में दिया गया है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में दिस इज वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दैट टाटा मोटर्स इज ऑफरिंग। सामने नया टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बड़े से बीच में हॉर्न इसके लगाया गया है। नाउ दिस स्टीयरिंग इज अ पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। ड्राइवर अपने कदकाठी के हिसाब से इसे ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकता है और आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकता है, अपनी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन सेट कर सकता है। ड्राइवर के सामने एक न्यू जनरेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसके बीचों बीच एक बड़ी सी MID स्क्रीन है जो आपको ढेर सारी जानकारियां देती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 4 डायल्स मिल जाएंगे, इंजन RPM के लिए, स्पीड के लिए, फ्यूल गेज एवं टेम्परेचर के लिए। MID स्क्रीन में आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, प्रेशर, एयर प्रेशर एवं बैटरी हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां मिल जाएंगी। इसके अलावा एक इसमें डिजिटल क्लॉक भी है। डैशबोर्ड के ऊपर नज़र डालें तो इसके जस्ट बगल में पार्किंग ब्रेक है, 4-speed ब्लोअर इसमें स्टैंडर्ड फिटमेंट है, फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम है इसमें USB एवं ऑक्स फंक्शनैलिटी के साथ, रेडियो भी इसमें आप चला सकते हैं। 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ एक राउंड शेप वाला 12 वोल्ट का चार्जर। ये स्पेस यहाँ पे आप मंदिर बना सकते हैं या फिर अपना फ़ोन और कुछ अन्य यूटिलिटी के आइटम्स रख सकते हैं। इस ओर अगर नज़र डालें तो लॉकेबल ग्लव बॉक्स है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुरक्षित रख सकते हैं। दोनों ही डोर ट्रिम्स पे बेहतरीन फिट एंड फिनिश के साथ कंपनी ने काम किया है। दोनों ओर आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे एवं मैगजीन पॉकेट होल्डर्स भी मिल जाएंगे। ग्रैब हैंडल्स हैं ड्राइवर एवं कंडक्टर साइड दोनों ओर। को ड्राइवर साइड सीट पे अगर नज़र डालें तो ट्विन को ड्राइवर सीट्स हैं जिसमें एक हेडरेस्ट भी दिया गया है। सिंगल पीस फ्रंट विंडशील्ड बहुत ही खूबसूरत पैनोरमिक व्यू यहाँ पे दे रही है। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में देखें तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो है जो कि केबिन के अंदर हवा का सर्कुलेशन बढ़ाएगी, वेंटिलेशन बढ़ाएगी। आप इससे पीछे की ओर देख भी सकते हैं। ये नाइट लैंप, केबिन लैंप आप इसे कहेंगे। ऊपर की ओर रूफ टॉप पे भी काफ़ी खूबसूरती से काम किया गया है और इससे केबिन के अंदर हीट इंसुलेशन भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। ये 5-speed गेयरबॉक्स का गियर लीवर, इसके ऊपर क्रोम फिनिश यहाँ पे दी गई है कंपनी की ओर से। और अगर ओवरऑल केबिन इंटीरियर्स की बात करें तो सिंप्लिसिटी पे कंपनी ने काफ़ी फोकस किया है, बहुत ही यूटिलिटी ड्रिवन इसे बनाया गया है, कोई शोशेबाजी नहीं। तो अ वेरी गुड केबिन, अ वेरी यूटिलिटी ड्रिवन केबिन विद सूदिंग एस्थेटिक्स इज वॉट वी वुड कॉल इट। SGI टेक्नोलॉजी के साथ 4-cylinder 3.8 लीटर टर्बोचार्ज BS6 इंजन है इसमें। ये 125 HP की मैक्सिमम ताकत देता है, साथ ही 420 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। बेहतर माइलेज के लिए इसमें स्किप फायर टेक्नोलॉजी है जिससे गाड़ी अगर सिग्नल पर हो या कहीं भी आइडलिंग कंडीशन में खड़ी हो तो फ्यूल की बचत होती है। यही सेम इंजन टाटा की BS4 गाड़ी में भी था जिसको BS6 में टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव किया गया है बेहतर माइलेज और ड्राइवेबिलिटी के लिए। 5-speed गेयरबॉक्स के साथ ये 25% की ग्रेडेबिलिटी देता है। 330 mm का क्लच है, वो भी क्लच बूस्टर के साथ, यानी गियर चेंज करते टाइम पेडल एफर्ट के कारण थकावट नहीं होगी। इसके CNG किट में ऑटो शट ऑफ वॉल्व, हाई प्रेशर एल्यूमिनियम फिल्टर, रीफ्यूलिंग इंटरलॉक डिवाइस, ई विस्कस फैन और बहुत सारे वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी माइलेज इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों से बेहतर है, आपको लगभग 10% का माइलेज एडवांटेज मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं इसके रखरखाव और कीमत की।
20,000 किलोमीटर में आपको इसे सर्विस करवाना होगा। भरोसे के तौर पे टाटा मोटर्स ने 15-12 जी पे 3 साल 3 लाख किलोमीटर की ड्राइव लाइन वारंटी दी है। कीमत की अगर बात करें तो 20 फीट कैबिन चेसी की एक शोरूम कीमत 25,26,000 रुपये रखी गई है, जो कि 22 फीट हाईडेक की 26,56,000 रुपये तक जाती है। आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला वीडियो कौन सा देखना पसंद करेंगे ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।